सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि केंद्र में निजीकरण की जो मुहिम मोदी सरकार ने चलाई है वे राज्य की ओर बढ़ रही है। पहले सेना के गोला बारूद बनाने का काम निजीकरण किया करता था, उसका विरोध हुआ। अब सेना में अग्निवीर के नाम भर्ती किए जा रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आर्मी भर्ती अग्निपथ योजना के जरिए 4 साल के लिए सेना में अग्निवीर की नियुक्ति मुद्दों पर आंदोलनरत युवाओं व सीटू नेताओं डॉक्टर कश्मीर ठाकुर, जोगिंदर कुमार व सुरेश राठौर के साथ हमीरपुर पुलिस द्वारा दमन व गिरफ्तारी के कदम की कड़ी निंदा की है। वह इसके साथ ही राज्य द्वारा प्रायोजित तानाशाही भी करार दी गई है। सीटू राज्य कमेटी ने ऐलान किया है कि इस मुद्दे पर सीटू युवाओं के प्रदेश व्यापारी आंदोलन को समर्थन देगा व उनके प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर भाग लेगा। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में शांति पूर्वक प्रदर्शनों का दमन, उनको तितर बितर करना व गिरफ्तारियां करना केंद्र व प्रदेश सरकार की तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, सीआईटीयू की ओर से सबसे पहले तो हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि जो निजीकरण की, ठेकाकरण की, संविदाकरण की जो मुहिम पूरे देश के अंदर केंद्र की मोदी सरकार ने चलाई है 2014 के बाद, वो मुहिम अब जो आर्मी की ओर बढ़ चुकी है। इससे पहले आपने देखा, 1.5 साल पहले जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं जहां गोला बारूद बनता है, जहां टैंक बनते हैं, उसको पहले निजीकरण करने की साजिश की, बाद में जब उसका विरोध किया कर्मचारियों ने तो उसका निगमीकरण कर दिया। और आज जो है, जिस तरीके से अग्निपथ के नाम पर, अग्निवीर के नाम पर आज नियुक्तियां करने की बात इस सरकार ने की है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले दो वर्षों में जो लगभग 1.5 लाख भर्तियां होनी थी आर्मी के अंदर, वो इस सरकार ने सस्पेंड करके रखी हुई है, वो भर्तियां नहीं की। युवा जगह जगह त्राहिमाम कर रहे हैं, वो न्याय मांग रहे हैं। जो बच्चे सेना में भर्ती होने के लिए पूरी तैयारी करते हैं, फिजिकल रूप में भी और टेस्ट के रूप में भी, वो बच्चे लगातार रोजगार की बात कर रहे थे। लेकिन इस सरकार ने क्या तोड़ उसका निकाला कि अग्निवीर के नाम पर 4 साल के लिए नियुक्ति करके जो है 22 साल की उम्र में, बेहद छोटी उम्र में आप उनको रोजगार से वंचित करके घर में बिठा देंगे, बेरोजगार कर देंगे। ये कौन सा तरीका है?